हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर और यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं और आरू और सना भी रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। और ये देखो आरू क्या कर रहा है, बंदरों वाली हरकत। गंदा लग रहा। मैंने सना की ड्रेस दिखाई है तो सना कह रही थी कि मम्मा लाओ मैं आपकी ड्रेस दिखाती हूँ कि आपने क्या पहना है, तो वही दिखा रही थी सामने से और कह रही थी कि आप भी बोलो कि मैंने क्या ड्रेस पहना है। खटारा काल है मम्मा, रास्ता इतना खराब है कि अच्छी अच्छी गाड़ी बैलगाड़ी बन जाएगी। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless. Anxiety. ये सामने है देखो, बेल का पेड़ है। देखो कितना ढेर सारा इस पे लगा है बेल। रुको पास से दिखाएंगे। ये देखो कितने फले हैं देखो। तो यहाँ रास्ते में हम लोगों को गरम गरम बाटी चोखा मतलब दिख गया, भैया बना रहे थे दुकान वाले, तो फिर हम लोगों ने मम्मी के लिए ले लिया गरम गरम बाटी और चोखा। तो अभी हम लोग आ गए हैं मम्मी के घर पे और यहाँ पे मम्मी को हम लोग बताए नहीं है तो अभी सरप्राइज देंगे। और यहाँ देखो आरू और सना जो है गेट पे खड़े हैं, तो अभी आवाज लगाते हैं। आरू आवाज लगाओ नानी को। आ रही है नानी, आ रही है, आ रही है। तो गैस अभी जो है ना हम लोग खाना वाना खा लिए हैं मम्मी के साथ बैठ करके खाना वाना हम लोग खा लिए हैं। और अभी हम लोग को मतलब कि एक दो घंटे में निकलना भी है, पापा स्कूल से आने वाले हैं तो पापा से हम लोग मिलेंगे, उसके बाद से फिर निकल जाएंगे। तो ये सामने का जो है मतलब सामने का हिस्सा है और इस साइड में जो है ना ये पूरा मतलब कि गार्डन है और ये बीच में मतलब कि खेत है और इसमें मतलब कुछ कुछ उगाया जाता है, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। और ये पूरा मतलब घर के साइड में ना मतलब पापा ने प्लांट्स लगा रखे हैं ये पूरा इधर से, और इस हिस्से में भी पूरा प्लांट्स ये लगा। निकल गए हैं मम्मी के घर से और मम्मी जो है पीछे से बाय कर रही है, तो निकल गए हैं अभी। और अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से जाएंगे अपनी बहन के यहाँ। तो अभी फिलहाल हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, तो चर्च है ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे। अरे साफ दिखाई नहीं दे रहा, सामने से दिखा। तो ये है चर्च यहाँ का और यहीं पे जो है हम लोग पले बढ़े और हम लोग पढ़ाई भी यहीं पे किए हैं। तो ये सामने जो है हॉस्टल है छोटे बच्चों का और बच्चों के लिए हमने ये ले लिया है, इसके अंदर टॉफ़ी है। पहले मुझे याद नहीं आया लेकिन अभी रास्ते में याद आया तो मैंने ले लिया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और बच्चों को देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दोनों तरफ से देखो। तो जब हम लोग अपनी बहन के यहाँ गए थे तो वहाँ पे मेरी बहन ने मैगी बनाया था और ब्रेड पकौड़े, जो कि बहुत ही मतलब टेस्टी थे खाने में। और स्पेशली मैगी तो बहुत ही अच्छा था खाने में, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं था, बच्चों को बहुत ही पसंद आया। तो वो लोग खाए और खाना खाते खाते हम लोग मतलब बात भी कर रहे थे। और उसके बाद से फिर मेरी बहन ने चॉकलेट्स भी दिया बच्चों को और जो है सना को एक पर्स भी मिला मतलब गिफ्ट में, उसका बर्थडे गिफ्ट था। उसके बाद से खाना खाने के बाद हम लोग मतलब हॉस्टल के बच्चों से मिलने आ गए। और ये जो लड़की आप देख रहे हैं ना, ये सना से 2-3 महीने बड़ी है और ये मेरे ही गांव की लड़की है, यहाँ हॉस्टल में रहती है और दोनों मतलब बराबर ही हैं। तो बचपन में तो ये लोग मिले हैं लेकिन ये लोग एक दूसरे को पहचान नहीं रहे थे, सना और ये लड़की। और उसके बाद से फिर हम लोग गए बच्चों का हॉस्टल देखने। ये हॉस्टल का रूम है, बेडरूम, ये बच्चे हैं इसमें रहते हैं। चलो अंदर चलो। ये स्टडी रूम है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं।
और वो बेडरूम था, ये स्टडी रूम है, इधर ब्लैक बोर्ड है। कौन पढ़ाता है? इधर किचन है ना, इधर खाना बन। तो अभी हम लोग आ गए हैं किचन साइड में, इस साइड में मतलब खाना बनता है। और इस हॉस्टल में मैं भी पढ़ी हूँ। जब भी हम लोग के यहाँ समर वेकेशन होता था तो एक महीने का कोचिंग होता था, इंग्लिश कोचिंग, तो उसमें हम लोग आते थे अटेंड करने के लिए और एक महीने रहते थे इसी हॉस्टल में। तो आप देख सकते हैं ये हॉस्टल के बच्चे हैं, सब छोटे से लेके बड़े सब हैं छोटे बच्चे। और फिर जो है ना, सना जो टॉफ़ी लेके गई थी वही सबको दे रही थी, खाने के लिए बांट रही थी। और ये खाना बन रहा है आलू और कद्दू की सब्जी, बच्चे खुद ही बनाते हैं यहाँ पे, बच्चे सब अपना काम खुद ही करते हैं। तो यहाँ पे रहने का ना एक अलग ही एक्सपीरियंस है और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और कोई भी काम जो है ना, बच्चे मतलब कि छोटे से ही अपने आप करना सीख जाते हैं और सब लोग मिल के करते हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले एक लोग पे बर्डन आता है। बाय बाय बाय। तो बच्चों से मिलने के बाद जो है अभी हम लोग घर जा रहे हैं, मेरी बहन छोड़ने जा रही है हम लोग को। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।